नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और मेरे पीछे जो एक इमारत आप देख रहे हैं ये है वेलकम द होटल सावॉय। और ये होटल नहीं, अपने आप में पूरा का पूरा इतिहास है, पूरी की पूरी एक किताब है। और सबसे ज़रूरी बात जो इस होटल के बारे में है वो है इसका हॉन्टेड होना, यानी कि विश्व का सबसे हॉन्टेड होटल, विश्व का सबसे महंगे होटलों में गिने जाने वाला एक होटल जो बहुत ज़्यादा बदनाम है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण। तो क्या इसमें एक्चुअल में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं? क्या यहाँ पर रात को एक साया पूरी तरह से घूमता है जो हर गेट पे, हर रूम पे जाके दस्तक देता है, या यहाँ पे रहने वाले हर किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं? तो इन सारी चीज़ों से मैं डॉक्टर ललित कसाना पर्दा उठाऊँगा और इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा, उस एहसास से रूबरू कराऊंगा कि क्या यहाँ पे एक्चुअल में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। और मैं आपको लेके जाऊंगा ऐसी ऐसी जगहों पर जो इस होटल के बारे में आपने कभी नहीं देखी होंगी। मैं थोड़ा सा इतिहास इसका बताऊंगा, बट मेरा मेन रीज़न है इस वीडियो को बनाने का कि क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, क्या इस होटल में भूतों का साया है या नहीं है। तो ये देखने के लिए इस व्लॉग को अंत तक देखते रहिएगा और मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर ललित कसाना, डॉक्टर पूजा कसाना के साथ अंत तक पूरी की पूरी सच्चाई इस वीडियो की लाके रहूँगा। तो मेरे साथ इस व्लॉग को अंत तक जुड़े रहिए। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, वेलकम द सिवाय का ये आपका फ्रंट एंट्री है और जो ये रूम्स हैं, रूम्स के साइड में ये मेन जहाँ पे आपका सारा है। ये फ्रंट बिल्डिंग, और अगर आप देख पाएंगे इसका ऊपर वाला जितना भी एरिया है, ये एरिया है, ये पूरी तरह से बंद है। रीज़न मुझे पता नहीं, ना मैंने पूछने की कोशिश की है ये क्यों बंद है। ये सिर्फ नीचे वाला वर्किंग है, ऊपर का पूरा एरिया इसका जो है ये बंद है। मे बी शायद इसका कोई यूज़ नहीं है। और मज़े की बात ये है कि ऊपर से एरिया ये टूटा हुआ भी है, अगर आप देख पाएंगे इसको जो है ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। और ये दिखने वाला एरिया है, मज़े की बात भी ये है कि दिखने वाला एरिया है, फिर भी इसका ध्यान जो है नहीं रखा जा रहा है। और ये अब हम एंट्री करते हैं। ये देखिएगा, ये आगे जो है इधर रेस्टोरेंट है, इधर जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये आपके लॉन्स है बैठने के लिए। आप कभी भी आके, सभी के लिए ओपन है, कभी भी आके आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल एंट्री मैंने आपको बताया था, सामने जो है रेस्टोरेंट है, उधर से ही आपका सारा का सारा जो जो इसमें कभी कॉन्टेस्ट जो हुए हैं, है ना, मिस मसूरी का कॉन्टेस्ट है, वो सारी यादें इन्होंने जो है संजो कर रखी हुई हैं। और सबसे मेन बात है आप इसमें जो सजावट के लिए भी जो लगे हुए हैं, है ना, ये भी बिल्कुल असली बारह सिंघा का जो है लगा हुआ है सर, और काफ़ी पुराने ये हैं। और ये देखिएगा जो मूवीज़ इसमें जो है अब तक शूट हुई हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे जो हैं एक्टर वगैरह हैं, एक्ट्रेस हैं, जो यहाँ पे जो है शिरकत कर चुके हैं। ये आप देखिएगा सभी को बारी बारी, गोविंदा, है ना, माधुरी दीक्षित, सभी एक लंबी लाइन है। ऊपर वाला एरिया जो है ये प्रोहिबिटेड एरिया है, जिसका मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाया था। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे वैसे यहाँ पर जाने में जो है डर लग रहा है। और
इसके अलावा हमारी राजनीति से जुड़े जितने भी जो बहुत बड़े बड़े अब देखिएगा सभी को जो है एक लंबी लिस्ट है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। और उसके अलावा जब अंदर बिल्कुल मेन डाइनिंग रूम में एंटर होने से पहले यह है राइटर्स बार, जो कि 1890 में इधर जो है बना था। और इसकी खासियत है राइटर्स बार इसलिए क्योंकि इस बार में बैठ के बहुत सारे जितने भी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन सभी ने यहाँ बैठ के जो है वाइन लिया हुआ है, जो भी कुछ जिम कॉर्बेट जाना माना नाम, मेरे लिए तो यही जाना माना नाम है क्योंकि मुझे राइटर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कौन कौन बड़े राइटर्स हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको रिलेट कर सकते हैं। ये देखिएगा तेंदुआ का खाल जो है लगा हुआ है और ये ओरिजिनल है। ये इसका बैठ के क्योंकि ये राइटर्स बार इसलिए बहुत बड़े बड़े राइटर्स की यहाँ पे जो है बुक्स हैं वो आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पे है और भी बहुत सारा लिटरेचर, मतलब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लिटरेचर ओल्ड जो है वो सारे के सारे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और असली बात है झूमर जो देखेंगे आप यहाँ पे जो है झूमर वॉल्स आप देखेंगे ऊपर जो है ना रूफ देखेंगे आप कितने अच्छे से इन्होंने जो है डिज़ाइन की हुई है वुड में जो है, बहुत हैवी हैवी जो है झूमर है और ये बहुत बड़ा साइज, मतलब आपको देखने में छोटा लग रहा हो मतलब बहुत बड़ा साइज है ये। इसी तरह के झूमर ही जो है ये हर जगह इसमें है। और इसके बाद ये एरिया जो है वो खुल जाता है बाहर की तरफ। जहाँ से आप नज़ारा ले सकते हैं पूरे के पूरे जो है अच्छे एक पूरी मसूरी यहाँ से दिखती है आप। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर ये रूम्स हैं, इधर आपका जो है जो एरिया बाहर आ रहा था है ना, जो मेन एरिया जहाँ से मैंने एंट्री करके दिखाया था आपको वो इधर से बाहर आ रहा है। इधर ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की आउटिंग है इधर से भी। और इसके अलावा वादियों का हसीन नज़ारा आप यहाँ से भी, आप बाहर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जो है ले सकते हैं। और यहाँ से आपको वैली का सुंदर नज़ारा जो है वो दिखता है, देखिएगा इधर बर्फ की चादर से ढकी जो है आपको हिल्स दिख जाएंगे, ये बहुत अच्छा नज़ारा। और इसी के ही पीछे जो ये बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के ही पीछे की साइड है आपका जो है वो एरिया स्कूल जो था पहले। और देखो मैंने पहले भी बताया था इसके पीछे कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं है ना। अब वो ये एरिया जैसे आप देखेंगे ऊपर वाला जितना भी जो एरिया है ना, ये एरिया पूरा का पूरा सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, नीचे वाला जो फ्लोर है वो फ्लोर सिर्फ है, इसके अलावा ऊपर वाला जितना भी जो फ्लोर है वो सारे के सारे फ्लोर से जो है वो बंद पड़े हैं। और मज़े की बात है कि बंद भी पड़े और खंडरनुमा भी हैं। ये इधर अभी वर्क चल रहा है और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये भी ब्लॉक है। आप देखेंगे पीछे स्कूल वाला जो बिल्डिंग है पूरी वो जर्जर पूरी तरह से जो हो चुकी है और उसको किसी तरह से भी वापस से ठीक नहीं किया गया है। ये वाली बिल्डिंग बंद है, इधर वाली जो है, इधर की बिल्डिंग जो है बंद रहती है।
अच्छा, इसमें भी नहीं हो रही कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी। तो इधर से हमने एंट्री किया ही था, अब मैं आपको इस एंट्री से एग्जिट होके जो है मैं दिखाता हूँ। ये इधर रूम्स हैं। देखो दोस्तों, मुझे भी जिज्ञासा बहुत है क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया, नीचे वाला इतना ज़बरदस्त बना हुआ है और ऊपर वाला एरिया जो है उसको इन्होंने बिल्डिंग के कुछ छुआ भी नहीं है। मतलब कहीं से भी देखेंगे इवन लग रहा है कि काफ़ी टाइम से इसकी सफाई तक भी नहीं हुई है। अब क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें तो अब मैं नहीं बताऊँगा। ये अंदर का एरिया जो हम एंटर कर जाते हैं जब, इधर रेस्ट रूम्स हैं। ये रूम्स के लिए विंग्स में रूम्स इधर हैं, मेरा रूम दूसरी साइड है ना, जो मैंने आपको एरिया दिखाया था। ये एंट्री जहाँ पे पियानो था, तो ये एंट्री है। और अब सीधा मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ। ये फ्रंट, जो फ्रंट आ गया, और हर जगह झूमर, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पसंद आई यहाँ पे जो है वो झूमर है। ये इधर दूसरा विंग इसका है, इधर भी रूम्स हैं सारे के सारे जो हैं। यहाँ पे भी पूरे के पूरे ये रूम्स हैं। और ये अगेन इधर रेस्टोरेंट वाली जो साइड थी वो आ गया। मतलब हम अब जहाँ पे मैंने अभी पूरा वीडियो शूट किया था, ये इसका बिल्कुल अपोजिट साइड जो है वो आ गया है। और इधर भी सारे के सारे जो हैं वो रूम्स हैं। और इधर ये वैली व्यू रूम्स हैं, तो यहाँ से आपको सारी की सारी जो वैली है प्रॉपर वो आपको दिख सकती है। और अपने आप में बहुत बड़ा एक ये देखिएगा, पूरा का पूरा वैली आप इधर से जो है देख सकते हैं। तीन फ्लोर की बिल्डिंग जो है इधर है और यही बिल्डिंग बड़ी है, बाकी तो इसके अलावा सारा जो है ये बंद है ना। इधर वाला विंग है, पीछे तो काफ़ी बड़ा एरिया है लेकिन उन्होंने होटल के लिए जो यूज़ किया है वो भी अभी काफ़ी एरिया इसमें ऐसा है जो यूज़ नहीं हुआ है। अब देखिए मज़े की बात, ये निचले वाला एरिया है जहाँ पे हमारा पूरा रेस्टोरेंट्स वगैरह है, और ये वाला एरिया जो है ये ऊपर का एरिया है। ये एरिया देखिएगा, बात क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे आप, पूरा का पूरा एकदम खंडर। मतलब नीचे का एरिया भी मैं आपको दिखाऊँगा, एंट्री करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया जहाँ पे अभी हमने अभी लंच किया था, सॉरी अभी हमने ब्रेकफास्ट लिया था, लंच भी हम यहीं पे ही करते हैं। और उसके तुरंत दूसरा वाला जो एरिया है वो एरिया एकदम आपका आ जाता है पूरा का पूरा बाहर वाला एरिया है ना, यानी कि ये वाला एरिया। अब आप देख सकते हैं एक साइड इतनी चहल पहल और एक साइड बिल्कुल एकदम खंडहर, ऐसा क्यों? मैं किसी से कोशिश करूंगा जानने की, है ना, कि ऐसा क्यों है। और ऊपर भी देखिए, ये पूरा का पूरा नीचे सारा का सारा है और ऊपर वाला पूरा का पूरा एरिया जो है देखिए, काफ़ी टाइम से उसके लिखे हुए हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे किसी ने बाहर से लिखा हो, ड्राइंग्स बनी हुई हैं जैसे बच्चे बना देते हैं। लेकिन अभी भी फिर ये एरिया जो है बिल्कुल अनछुआ एरिया है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पीछे के एरिया में, बिल्कुल पीछे जहाँ पे वो मैंने रास्ता ढूंढा है, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और इधर ये भी देखिएगा, बैक एरिया है, इधर से बिल्डिंग, पुराने वाली बिल्डिंग जो है उसको आप देख सकते हैं पीछे से पीछे ही। और ये लगता है कि ये पुरानी बिल्डिंग है, हूबहू ऐसा ही डिज़ाइन ये नया बनाया है ना। मुझे लगता है कि ये वो बिल्डिंग है जो उस टाइम पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, और उसी की जगह ही अभी ऐसा ही हूबहू नई बिल्डिंग जो है वो बनाई है। बट बहरहाल अगर बात करूं, देखो मैंने दो दिन यहाँ पे जो है दोस्तों बिताए हैं, तो
तो दोस्तों जहाँ तक बात करूँ इस जगह के हॉन्टेड होने की, देखिएगा मेरे बिल्कुल पीछे की साइड आप देख सकते हैं, ये वो रूप है इस जगह का जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस जगह के बिल्कुल हॉन्टेड होने की, तो मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं 2 दिन यहाँ पे रहा, रात में घूमा भी, बाहर भी, हर जगह मैंने जो है पूरी तरह से इस जगह को देखा है। और लेकिन फ्रेंकली बताऊं, जगह देखने में ज़रूर जो एरिया हैं, जो एरिया बिल्कुल जो बंद है ना, वो एरिया देखने में ज़रूर थोड़े से आपको जो है लग सकते हैं डरावने जो है, बट ऐसा मुझे पर्सनली कभी कुछ भी यहाँ पे जो है ऐसा फील नहीं हुआ है, और बिल्कुल भी मतलब कुछ भी ऐसा 1% मुझे यहाँ पे जो है कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। और तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से चेकआउट करने वाला हूँ, और मैं सोच रहा था ये वाला पार्ट मैं सबसे बाद में बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ख़ासकर वो हॉरर वाला जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि हर लोग, अधिकतर जो लोग जानते हैं वो इसको इसीलिए जानते हैं। अब मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है दोस्तों, या तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा एक्चुअल में कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है, या फिर जो है क्योंकि जो पीछे वाला ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा जो जितना भी ये पूरा का पूरा ब्लॉक है ना, इस एरिया को छोड़ के ये पूरे के पूरे रूम्स हैं, और अगेन आगे के साइड जो है रूम्स हैं, लेकिन ये पूरा एरिया ऐसा है कि बिल्कुल इसको ऐसा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि यहाँ पे कोई मतलब वो जा ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। ऐसा ही पूरा का पूरा फ्लोर, जितना मैं पीछे की साइड, ये पीछे जितना भी है पूरा का पूरा वो एरिया ऐसा था कि जिसको मुझे लग रहा है उसमें कई लगभग 4-5 साल से तो उसमें कभी कोई सफाई भी नहीं की इन लोगों ने। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं अगर जैसे अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो दोस्तों मैं फ्रेंकली बताऊंगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कोई, मैं ना तो इन लोगों की तारीफ कर रहा हूं कुछ, लेकिन मुझे बिल्कुल 0% भी यहां पे जो है कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि जिसको मैं आप लोगों को बोल सकूं कि भाई हाँ मुझे कुछ ऐसा हॉरर फील हुआ, या फिर, और मेरे जो जानने वाले हैं वो मुझे और फ़ोन करके पूछ रहे थे कि यार तुझे कोई पैरों की खनखन तो आवाज़ नहीं आई या ऐसा कुछ, बट दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आप आना चाहते हो आओ, अपना प्रॉपर जो है आप अच्छे से जो है यहाँ पे आके जो है प्रॉपर अच्छे से आप आके एंजॉय करो। और पर्सनली अगर अपनी बात बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल भी 1% भी यहाँ पे जो है कुछ भी फील नहीं हुआ, और अच्छी अच्छी एक्टिविटी हैं, सारी चीज़ें हैं, आप आइए उनको आके एक्टिविटीज़ वगैरह को कीजिएगा, कोई 1% भी किसी तरह का कोई भी आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप हॉरर कहें या फिर पैरानॉर्मल आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कहें, है ना, या भूत वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अब मुझे ये भी लग रहा है कि भाई इन लोगों ने जो इसको इस तरह से किया हुआ है चीज़ों को, क्योंकि देखिए मेन बिल्डिंग बिल्कुल फ्रंट एकदम जो है, और वो सारी की सारी टूटा फूटा उसकी छत दिखती है, नीचे आपने इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है बट ऊपर की साइड बिल्कुल एकदम ऐसा सुनसान है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो सकता है कि इन लोगों की ये कुछ बिजनेस की ऐसा कुछ करने की स्ट्रेटजी हो, या फिर कुछ एक पब्लिसिटी की हो कि भाई लोग जो जान रहे हैं ज़्यादा वो इसको इसीलिए ही जान रहे हैं, है ना, कुछ लोग क्यूरियसिटी के लिए आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब एक किसी चीज़ के पीछे एक ऐसी स्टोरी जुड़ जाती है ना, और किसी चीज़ के पीछे जब आप उसको सोचते हैं कि यार हाँ इसके देखो इसके पीछे जो है भाई एक ऐसी स्टोरी है, कोई हॉरर स्टोरी है, हम जाएंगे वहाँ पे जाके कुछ ऐसा फील करेंगे, है ना। जब मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद भी जैसे बाहर जो साइड वाले रूम वाले लोग हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि अच्छा यार मुझे रात को जो है ना ऐसा लगा कि कोई मेरे गेट को जो है कर रहा है। और फ्रेंकली दोस्तों मैंने तो उसको महसूस, तो मैंने तो उल्टा उस चीज़ को फील करने की कोशिश भी की रात में कि यार कहीं पायलों की आवाज़ तो नहीं आ रही है, बट कुछ नहीं आया। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है सब मनगढ़ंत चीज़ें हैं, जो पहले कभी हुई थी घटनाएं वो हुई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आओ अच्छे से आके एंजॉय करो, और ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा है यार, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आके रह चुकी हैं, सारी चीज़ें हैं, और इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप फ़ोन करो तुरंत आएंगे, आप खाना खा रहे हो तो भी 6-6 बार चक्कर लगा के पूछेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं, है ना। और ये देखिएगा ये पेड़ जो मैंने बताया था 300 साल पुराने पेड़, तो यार ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। एक अकेला ऐसा होटल है जिसका खुद का पोस्ट ऑफिस है, है ना, यहाँ पे जो है वो भी मैं दिखाऊंगा। और पोस्ट ऑफिस के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट मुझे अपने आप में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, और ये जो पोस्ट ऑफिस है आपको पता है यहाँ पे जिम कॉर्बेट के पापा, है ना, जिम कॉर्बेट के फादर जो है वो यहाँ पे पोस्ट मास्टर थे,
तो सिवाय का जो पोस्ट ऑफिस है, इसका जो पर्सनल अपना पोस्ट ऑफिस है, उसमें जिम कॉर्बेट के फादर जो हैं वो यहाँ पे जो है आपके एक तरह से पोस्ट मास्टर थे। और ये देखिएगा बर्फ़ पानी रात को जिन लोगों ने भरा हुआ था वो बर्फ़ बन चुका है। तो आई होप अभी मेरा चेकआउट का टाइम है, इसके बाद मैं आपको रिसेप्शन भी दिखाऊंगा, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे की जर्नी मेरी घर जाने के वापस किस तरह की होती है। और ये एक अलग विंग है जो बिल्कुल अलग है, तो इसको मैंने आपको दिखाई दिया था जहाँ पे हमारे रूम्स हैं, और बहुत अच्छा व्यू इधर से जो है आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना, और आज का व्लॉग है ऐसा व्लॉग जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं रहने जा रहा हूँ सिवाय होटल में। वेलकम द सिवाय फॉर्चून जो है मसूरी में, अपने आप में एक बहुत ही भव्य आपका एक जो है इमारत है, भव्य आपका जो है एक बहुत ही प्राचीन 1902 से ये स्टार्ट हुआ एक होटल है। और इसमें रूम जो है वो स्टार्ट है आपके 24,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के रूम है। और मैंने जो रूम लिया है वो है आपका माउंटेन हिल व्यू रूम, और जो 24,000 का रूम है लेकिन मुझे वो पड़ा है 18,000 रुपए में। तो क्या एक्चुअल में वर्थ है नहीं है, तो इस वीडियो के अंत तक आप सारी की सारी चीज़ों को जानेंगे।